Hello students, let's see this question. The maximum current through the inductor after the switch बोल रहा है कि स्विच को जैसे ही क्लोज करते हैं तो मैक्सिमम करंट बताना है. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है ये मैक्सिमम अगर चार्ज अगर निकालें मैक्सिमम जो होगा क्यू होता है सी इंटू वी नॉट. अब कंसेप्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं दोनों में एनर्जी जो है सर्किट में एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं इसमें एनर्जी की एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी इज इंडक्टेंस. कैपेसिटर में कितनी होगी, हाफ सी नॉट स्क्वायर रहेगी, हाफ एल आई स्क्वायर विच इज मैक्सिमम करंट. बस इसे ही सॉल्व करके हमें मैक्सिमम करंट निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं एज यू नो तो हमारी एनर्जी है हाफ नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल तो आई नॉट कितना आएगा, आई नॉट आएगा अंडर रूट ऑफ ई अपॉन एल. आई नॉट कितना आएगा, नॉट अंडर रूट बाय एल. सो दिस इज आर मैक्सिमम करंट. चेक करें कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन सी डी नॉट अंडर रूट बाय एल इज करेक्ट आंसर. थैंक यू.